नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। स्कूल फीस में हुई बढ़ोतरी को लेकर अभिभावक अपनी मांगों को लेकर बोकारो के DO कार्यालय पहुंचे, जहां DO साहब व्यस्त होने के कारण अभिभावकों से नहीं मिल सके, जिसके बाद कार्यालय के कर्मचारियों ने अभिभावकों को आश्वासन दिया है। बोकारो के DO कार्यालय में बोकारो के अभिभावक अपनी मांगों को लेकर, जिसमें खासकर स्कूल फीस में हुई बढ़ोतरी को लेकर उनसे मिलने गए, लेकिन DO साहब मीटिंग में व्यस्त होने की वजह से अभिभावकों से नहीं मिल पाए और उन्हीं के कार्यालय के कर्मचारी ने उन्हें आश्वासन दिया कि बहुत ही जल्द स्कूल प्रशासन से बात करके अभिभावकों की मीटिंग स्कूल प्रशासन से कराई जाएगी, जिसमें अभिभावक अपनी बात स्कूल प्रशासन के समक्ष रख पाए और समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट HBN न्यूज। तो नमस्कार, की ओर से अभी मैं बोकारो के DO ऑफिस में आया हूँ, जहाँ पे बोकारो जिला के अभिभावक यहाँ पे आए हुए हैं। उन्होंने अपने अप्लीकेशन दिया था DO मैम को, उसके फीस को लेकर उन्हीं तरीके से बात करते हैं। नहीं नहीं, क्या अभिभावक को सॉरी देते हैं हमारा सर, बताया जो DO मैम से उनसे मुलाकात नहीं हुई, तो हम लोगों ने DO मैम के पास में एक ज्ञापन दिया था स्कूल के मनमाने फीस के बढ़ोतरी के एवज में। जैसा आप जानते हैं कि हमारी सरकार, ये झारखंड की सरकार जो है, स्कूल को निर्देश दी है, गाइड की है कि आप लोगों को केवल ट्यूशन फी लेना है और किसी तरह का मनमाना शुल्क में बढ़ोतरी नहीं करना है। लेकिन ठीक इसके विपरीत सेंट जेवियर स्कूल ने ना केवल फीस में बढ़ोतरी की, एनुअल फी भी साथ में लिया और फीस में बढ़ोतरी भी, दोनों भी काम किया। इसके एवज में हम लोग 25 तारीख को DO मैडम को इस चीज़ की जानकारी दी और उसके बाद उन्होंने 21 अगस्त का टाइम दिया था, तो हम लोग आज यहाँ पर पहुँचे। लेकिन आज वो बिजी थे इसलिए वो हम लोग से नहीं मिली, लेकिन उनके ऑफिस के एक स्टाफ मिल करके हम लोग को बातों को फिर से सुना और उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसे आप लोग को बता दें कि 7 तारीख से बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है और एक मेल भेजा गया है कल के डेट में, 21 अगस्त के डेट में, जिसमें लिखा गया है कि अगर आप लोगों ने फीस नहीं जमा किया तो आप लोग का लिंक जो है काट दिया जाएगा और बच्चा को एग्ज़ाम और ऑनलाइन से वंचित कर दिया जाएगा। उस एवज में हम लोग आज यहां पर आए कि ये हम लोग के साथ ये हो रहा है, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि स्कूल मैनेजमेंट और गार्जियन के बीच में हम लोग एक मीटिंग रखने का कोशिश करते हैं और आप लोग को इसके बारे में सूचित किया। थैंक यू।